जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय माघ मास का समय है। 20 तारीख सोमवार से 24 तारीख शुक्रवार तक का समय कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं 20 तारीख सोमवार से। 20 तारीख सोमवार को एकादशी तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। शनि का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको होने वाला है। सोमवार के दिन मुकदमेबाजी में आपको जीत मिलेगी। हर काम में तेजी इस दिन बनी रहेगी। यह समय आपके लाभ का है। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसी में आप सफल होंगे। सोच बहुत ही सकारात्मक होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक नए जोश के साथ आप हर काम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस दिन आपकी लॉटरी लग सकती है। अचानक से बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको हो सकता है। मन आपका बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात करें 21 तारीख मंगलवार की। इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। बुध का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। विदेशी कामों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन निकलवाने में आप कामयाब होंगे। पुराने उधार की वापसी होगी। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। सेहत में सुधार आएगा। किस्मत आपकी चमकेगी। अचानक से आपको बड़ा फायदा इस दिन हो सकता है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। ये दिन भी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जॉब करने वालों को जॉब में नए काम मिलने की उम्मीद है। जॉब में प्रमोशन हो सकती है। विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बात करें 22 तारीख बुधवार की। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, मूल नक्षत्र होगा। चंद्रमा धनु राशि से गोचर करेंगे। केतु का नक्षत्र रहने वाला है। दोस्तों बुधवार के दिन आपको हर काम में सावधान रहना होगा। बुधवार के दिन किसी भी काम में लापरवाही ना बरतें और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। कंसंट्रेशन आपकी किसी तरह से अच्छी बनी रहे, इस बात का प्रयास आपको करना है। रिस्क लेने से बचना चाहिए। बात करें 23 तारीख गुरुवार की। इस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी, पूर्व शाड़ा नक्षत्र होगा। चंद्रमा धनु राशि से गोचर करेंगे। शुक्र का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी से लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में सफलता का योग है। जॉब में प्रमोशन व नए काम मिल सकते हैं। हालांकि कार्य की अधिकता होगी लेकिन नए संबंध बनने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर मौज मस्ती भी की जाएगी। इस दिन मित्रों का साथ पसंद आएगा। लव लाइफ वाले बहुत इंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने के मौके भी आपको मिलेंगे और मनपसंद चीजें आप प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को विशेष सफलता इस दिन प्राप्त होगी। दोस्तों बात करें 24 तारीख शुक्रवार की। इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी, उत्तर शाड़ा नक्षत्र होगा। चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे। सूर्य का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। इस दिन स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है। इस दिन काम अधिक रहेगा, भागदौड़ बनी रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा। बोलचाल में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। कॉन्फिडेंस अधिक होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अहम की अधिकता रहेगी, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। दूसरों की बातों को नजरअंदाज ना करें, समझदार लोगों की राय लेकर चलें। व्यापारिक गतिविधियां इस दिन तेज गति से आगे बढ़ेंगी। कारोबार में धन लाभ होगा, मुनाफे के सौदे होंगे। आपके पार्टनर की तरक्की हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों बात करें 25 तारीख शनिवार की। इस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, श्रवण नक्षत्र होगा। चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। यह दिन आपके भाग्य को बढ़ा देगा। इस दिन नए लोगों से अच्छे संबंध बनने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। इनकम बढ़ेगी, मुनाफे के सौदे होंगे। अचानक से धन लाभ होगा और हर काम में आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। यह दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। बात करें 26 तारीख रविवार की। इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी, धनिष्ठा नक्षत्र होगा। में चंद्रमा मकर राशि में और शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। आपके भौतिक सुख इस दिन बढ़ जाएंगे। जमीन जायदाद के मामलों में फायदा होगा। बेहतरीन संपत्ति के वाद विवाद सुलझ सकते हैं। घर परिवार से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अपनी उम्र से बड़े लोगों से आपको फायदा होगा। सोने चांदी जैसे आभूषण आपको प्राप्त हो सकते हैं। दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है और आपको खुशियां देने वाला है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक का राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।